तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम भक्ति निवास पहुंच चुके हैं आश्रम, और आज ये वीडियो है पूरा अंदर का। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने कार पार्किंग का एरिया भी दिया हुआ है, बट प्राइवेट कार पार्किंग ही है। जैसा कि लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम बजट ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए हमने चूज़ किया कि हम आश्रम में रुकेंगे, और ऊपर महाराष्ट्र की प्लेलिस्ट अटैच्ड है, आप वहाँ सारी वीडियोस देख सकते हैं। हालत एकदम पंचर हो चुकी है, बुखार भी हो गया था रात में, और अभी हम बस एंटर करने वाले हैं। और यहाँ पे किराया बहुत ही कम है, मैं इसकी सारी डिटेल्स और वेबसाइट अभी आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में जो अभी जहाँ शटर था, वहाँ पे दो शॉप्स हैं जो कि टाइमली ओपन होती हैं, वहाँ से प्रसाद भी हम खरीद सकते हैं। ये है साईं आश्रम भक्ति निवास। सब कुछ यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक है। राइट हैंड साइड पे सीटिंग एरिया था, और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि क्लटर ना हो। दर्शन कर ले। ऑनलाइन अलॉटमेंट ये लिखा है 10। कोई है नहीं, उधर ही बुला रहा है। इस चार्ट को देखिए, इससे आपको रेट का आइडिया लग जाएगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। अच्छा, इसमें इन्होंने वो भी लिखा हुआ है काकड़ आरती के चार्जेस, और अगर आप स्पेशली आरती अटेंड करना चाहें अलग से तो उसके चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, और टिकट और पास यहीं से मिलता है। लेफ्ट लेना है। कम लोग भी थ्रू यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी है, कार्स इधर अलाउड नहीं है। कार्स का एरिया वहीं तक है, दो लोग छोड़ने के लिए अगर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जी ब्लॉक कहीं तक जाना है, जो लोग असमर्थ हैं जाने में, उनके लिए अंदर ही एक इलेक्ट्रिक कार्ट भी है, गोल्फ कार्ट जिसको हम बोलते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना है। हम ए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, एज यू कैन सी, और राइट हैंड साइड पे इन्होंने एक एम्फीथिएटर बनाया हुआ है। कुछ कॉमन टॉयलेट्स इन्होंने यहाँ बाहर ही बनाए हुए हैं, और आगे राइट हैंड साइड में है कैंटीन। ग्राउंड फ्लोर है ना हमारा। यहाँ पे ये कुछ प्राइवेट शॉप्स हैं जहाँ पे प्रसाद और फोटोग्राफ्स और मूर्तियाँ मिलती हैं। वाओ, सी द सीटिंग एरिया, कितना अच्छा, कितना पीसफुल, सो ब्यूटीफुल।
सामने हूँ। भैया गर्म पानी आता है? हाँ आता ही है। कोई टाइम है कि? सोलर सिस्टम घंटे में चलता है। अच्छा, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सब कुछ सोलर सिस्टम पे है? हाँ सब बिल्डिंग में। और प्रसादालय में भी आई थिंक सोलर सिस्टम पे ही कुकिंग रहता है? हाँ कुकिंग रहता है। हर एक बिल्डिंग में चार फ्लोर्स हैं और सीढ़ियों और लिफ्ट दोनों से ही एक्सेसिबल है। रुको मेरे को जाना तो पहले। रूम डिसेंट है, काफ़ी बड़ा है, आश्रम में जैसे रूम होते हैं वैसा है। ये एयर कंडीशन रूम है और फैमिली रूम है। मोस्टली फैमिली रूम सारे यहाँ पे थ्री सीटर हैं, तो एक एक्स्ट्रा मैट्रेस हमने लिया है। कल बहुत थके हुए थे तो हम जल्दी सो गए थे और बहुत ज़्यादा बारिश थी। दर्शन भी हमने बारिश में किए, वो मैं वीडियो आपको आने वाले टाइम में दिखाऊँगी। सारा तितर बितर है यहाँ पर। अभी बज रहा है 9, तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए आज थोड़ा सब कुछ लेट होता चला गया। हालत ख़राब है। पापा जी गए हैं हम सब के लिए नाश्ता लेने के लिए। एसी रूम लिया है हमने, बट एसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठंडा इतना हो रहा है। ये भी हमने बंद कर दिया। मॉनसून में बहुत ठंडा रहता है, इस टाइम पे ज़रूर आना चाहिए। और डैड आई थिंक आ गए नाश्ता लेके। बारिश होने लग गई क्या? अभी तो हम चाय ला पाए क्योंकि सामान ज़्यादा है। तो डैड आ गए हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि पानी बहुत सस्ता है, मतलब 10 रुपये का, ऑलमोस्ट 50% ऑफ। और बाहर यही 20 रुपीज़ की बॉटल हमने कल रात में ली थी। तो चलेंगे तो यहीं से 4 बोतल। सब कुछ सब्सिडाइज है, अंदर ही एक कैंटीन है, वहीं पे ब्रेकफास्ट मिल जाता है। और चाय, चाय कितने की मिली पापा जी? 2 रुपये की। 2 रुपये की चाय है। और चार ले आते जो हो खाली खाली जाए। हो चुके हैं तो सब लोग तैयार हो चुके हैं और निकलना था हमें सब जगह अंडरगाम दिखेंगे तो निकलना हमें था 9 बजे, बट मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो अब हम लोग निकल रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 10:30। तो यहाँ पे 10 बजे तक सारा नाश्ता ख़त्म हो गया था, हमें कुछ नहीं मिला। अब हम बाहर मिला वड़ा पाव और समथिंग। कल मॉर्निंग में खाली करेंगे, कल सुबह खाली करेंगे। क्या मौसम है। तो ये कैंटीन सिर्फ आश्रम में नहीं है, ये कैंटीन आपको मंदिर परिसर में भी मिलेगी और एक नहीं 2-3 हैं। देखिए कितना सब्सिडाइज है, 2 रुपये की चाय, 3 रुपये की कॉफ़ी, 3 रुपये का मिल्क और 10 रुपये की पानी की बॉटल। और कैंपस में ही फ्री बस सर्विस चलती है जो प्रसादालय भी लेके जाती है और कैंपस भी लेके जाती है, मतलब मंदिर परिसर। तो अब आश्रम के रूम कैसे बुक करने वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, online.sai.org.in पे, और आपको ये होम पेज मिलेगा। मैंने पहले ही अपना ईमेल आईडी सेटअप किया हुआ था लेकिन अब शायद ईमेल आईडी सेटअप नहीं हो पाता है, तो लॉगिन विद ओटीपी आप करेंगे, ओटीपी आएगा और आप इजीली लॉगिन कर पाएंगे। फिर आपको ये वेलकम टू साई डिवोटी ये पेज दिखेगा और अकोमोडेशंस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम रूम सिलेक्ट करेंगे, फैमिली रूम लेना है या डॉर्मेट्री लेना है। तो जैसे हमने रूम सिलेक्ट किया नॉर्मल और 2 दिन के लिए, और डेट्स मैं आपको एक रैंडम डेट्स दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैं बुकिंग कर रही थी
उस टाइम पे मैं ये वीडियो बनाना भूल गई थी, तो पूरा प्रोसेस अच्छे से मैं दिखा रही हूँ। 18 तारीख हमने सेलेक्ट करी है, दो दिन ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। ट्रेन हमारी 4:30 पहुँचने वाली थी और 6 बजे 6:30 के आसपास हम यहाँ पहुँचने वाले थे, वही टाइम मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ। तो चेकआउट टाइम यहाँ पे 11 बजे का है, तो ये कन्फर्मेशन मांग रहे हैं, हम कर देंगे यस, और फिर हम रूम सेलेक्ट करेंगे। मैंने एक रूम सेलेक्ट किया क्योंकि आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं मिनिमम 2 to maximum 5% अलाउड पर रूम, तो 4 लोग हैं और 5 तक रह सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है एक्स्ट्रा मैट्रेस 1, अगर यही मैंने फीमेल 2 डाले होते तो 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस यहाँ पे रहते। अब हमें एसी रूम हमने सेलेक्ट किया है और साई आश्रम भक्ति निवास बहुत सारे हैं, बट एसी रूम सिर्फ इसी में ही है, साई भक्ति निवास में, इसलिए इसने फिल्टर करके हमें इस आश्रम का ऑप्शन दिया। एक एसी रूम का 600 रुपये है और एक्स्ट्रा मैट्रेस है 50 रुपीज़ का, तो टोटल 1300 आ रहा है हमारा 2 दिन का। और आप देख सकते हैं सारे नॉन एसी हैं, सिर्फ साई आश्रम भक्ति निवास में ही एसी रूम अवेलेबल हैं और बाकियों के भी अमाउंट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सिर्फ आप 2 दिन के लिए ही रूम बुक कर सकते हैं, 1 या 2 दिन। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं माई विश लिस्ट, उसमें लिखा हुआ है 1300 फाइनल अमाउंट है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें राइट हैंड साइड में प्रोसीड टू पेमेंट पे जाके क्लिक करना है। और जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करेंगे ये लेके आ जाएगा हमें गेटवे पे। इंटरनेट रिजर्वेशन चार्जेस 10 रुपीज़ हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के टाइम पे ही लगते हैं, अगर आप ऑफलाइन मोड में करेंगे तो ये 10 रुपये आपको पे नहीं करने हैं। और अब हमने सेलेक्ट कर लिया है SBI पेमेंट गेटवे, और पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद लास्ट स्टेप रहता है, हम उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको डॉर्मेट्री का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। रूम डॉर्मेट्री हम क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ डेज हमें लिखने हैं 1 और 2, 2। सिंपल वही प्रोसेस मैं अपना रही हूँ जैसे हमने फैमिली रूम के लिए अपनाया था, सेम टू सेम, बट सिर्फ यहाँ पे डॉर्मेट्री सेलेक्ट किया है। जब तक मैं डेटा फीड कर रही हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और आगे और अच्छे वीडियोस बनाने का मन करता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए आप मैक्सिमम 9 adults अलाउड, 9 लोग एक साथ अलाउ ये करते हैं अगर आपको डॉर्मेट्री में रहना है तो, और पर कॉट सिर्फ 20 रुपये चार्ज करते हैं, तो टोटल अमाउंट 9 लोगों का जो मैंने सेलेक्ट किया है वो 360 है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे है कि जनरल रूम्स, एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स, ओवरऑल आश्रम्स में कितने हैं। अगर आप थोड़ी सी भी ठंड में जा रहे हैं तो पॉइंट नंबर 15 बहुत यूज़फुल है, सोलर सिस्टम से यहाँ पे गर्म पानी आता है और काकड़ आरती के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 बजे से पानी शुरू हो जाता है आना, और चूंकि सोलर सिस्टम पे है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो पानी ठंडा हो गया या ख़त्म हो गया, तो जल्दी से जल्दी नहाना प्रेफरेबल है। और तबीयत ख़राब होते हुए भी मैंने ठंडे पानी से नहाया है। तो वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मैं आपको एम्फी थिएटर से एक व्यू दिखाना चाहती हूँ, ये एम्फी थिएटर है और ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा व्यू आता है। ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से अभी हम एंटर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने पूरा कवर किया है प्रसादालय जो कि आएगा कमिंग फ्राइडे में, उसे ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आपको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल वीडियो वो बनाया हुआ है। और जो लोग 9 सितंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, वो ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आश्रम से हम बाहर निकलेंगे एग्जिट गेट से, रोड क्रॉस करते ही, जो मेन रोड है उसको क्रॉस करते ही आपको ये साई सिद्धि एक स्ट्रीट शॉप मिलेगी। यहाँ का वड़ा पाव ज़रूर ट्राई करिए, बेहद टेस्टी वड़ा पाव बनाते हैं, इतना अच्छा वड़ा पाव मैंने अभी तक नहीं खाया था वहाँ महाराष्ट्र में रहते हुए जब मैं थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।